सेम। रीडिंग ये लास्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, जो ऑर्बिटल में, वो दो ऑर्बिटल्स है, एक 3d है और दूसरी 4s है, 3d 4s। ऐसे सब सेम लिख लिया मैंने। अभी इसके बाद अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि 3d1 से शुरू होता है और इसके पास 3d 4s2। फिर ये 1 और 2 क्यों लिखा? क्योंकि ये जो आर्गोन है इसने इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन, यानी 18 गए यहाँ पे, रहे 19 20 21, आ गया उसका एटम नंबर 21। उसके बाद आर्गोन, उसके बाद यहाँ पे 2, यानी 18 और 2 20, बाकी कितने बचे? 2, ये है 4s2। उसके बाद है 3d 3, 4s 4s 2, ये हो गया। उसके बाद क्रोमियम, क्रोमियम के लिए यहाँ पे आता है 3d5 4s 1। ये सिर्फ आपको याद रखना पड़ेगा। ये पूरी चीज जो है, ये जो आप पूरा कंसेप्ट देख रहे हो यहाँ पे, ये आपको 100% याद रखना पड़ेगा। क्या है फिर वहां पे? एक जो थी वाले हैं क्रोमियम, ये पूरा सीरीज है। तो उसके बाद कल का जो टॉपिक है वो वाला, ये है एलिमेंट, उसके बाद ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप उसे कह सकते हो, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। उसके बाद कल जो बताया मैंने वो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते। देखो अगर सिंपल से याद रखना है तो बहुत ही आसान है। मैंने पूछा समझो, स्कैंडियम, स्कैंडियम 21, आर्गन 3d1 4s2। फिर शुरुआत कहाँ से होती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की? तो आप करते हो यहाँ पे प्लस टू से, हाँ ये 2 से, क्योंकि ये 2 से शुरुआत। लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन कितने उसके पास? टोटल 21। उसमें क्या दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे ये दो ऑर्बिट में, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है वो देखना है। ये है प्लस टू से शुरुआत की, टोटल कितने है? 3, यानी +2 और +3 हो गए, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे? इसके पास 2 यानी +2 और टोटल किए तो 3 यानी +3, यानी 2 से शुरुआत करके 3 तक। इसका मतलब क्या है कि 2 और 3 3 प्लस, ये है उसके जो डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है और एस ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके बेसिस पे आप वो निकाल रहे हो। उसके बाद आपका जो कंसेप्ट था वो था कि मैंने पूछा था स्कैंडियम, उसके बाद उसके ऊपर चार दिए थे 3 प्लस, कैसे डिफाइन किया आपने? फिर से आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, यानी सिंपल मेथड से कैलकुलेट किया आपने 3d1 4s2। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन थे वो माइनस किए, यानी 3 गए, यानी ये 2 गए, यहाँ पे 1 गया, यानी जो डी ऑर्बिटल है आपकी उसके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन बचे, यहाँ पे 4s, उसके पास भी 0 इलेक्ट्रॉन बचे, और बाकी जो इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट जो कल पढ़ाया वो था, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बचे फिर? 0, यानी आपको डी ऑर्बिटल देखनी पड़ेगी कि डी ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने रहे वाले हैं? 0। उसके बाद आपके पास टिटेनियम है, टिटेनियम 22। सिर्फ समझ लो क्या कंसेप्ट चालू है वो, सिर्फ समझ लो, बाद में पता था ये काय के लिए इंपॉर्टेंट है। 22 पीआई, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, आर्गन, उसके बाद 3d, ये वाला 3d2 4s2, 3d2 4s2 लिखा। फिर मैंने पूछा कि Ti 3+ के लिए क्या करोगे आप? Ti 3+ के लिए Ti 3+, फिर इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन माइनस करो, यानी लूज किए उसने, फिर क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा इसका? आर्गन 3d1 4s0, यानी उसके डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 1, यानी इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर पूछे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर पूछे तो आप क्या बताओगे? 1। ऐसे पता चला आपको कि डी ऑर्बिटल के अंदर वहां पे
एक ही इलेक्ट्रॉन है। फिर ये अगर कैलकुलेट करना है आपको कि डी ऑर्बिटल में एक ही कैसे है, तो आपको पता है जैसे डायग्राम बना उसकी ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल है कितने हैं, तो डी के इसमें रहता है पांच, पांच ऑर्बिटल। वाईजेड डी एक्स जेड, उसके बाद डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहते हो, और लास्ट में डी जेड स्क्वायर कहते हो। ये बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया था मैंने एक बार, अरे बोला भी था एक कॉर्नर में लिख के यहाँ पे, आप याद रखो कि अगर समझिए एस ऑर्बिटल रही सब सेल बोलो आप एस ऑर्बिटल, उसके ऊपर मिनिमम इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो ना एक, ज्यादा ज्यादा दो ऑर्बिटल के अंदर। पी रही तो थ्री भर सकते हो, उसके बाद सिक्स, डी रहा तो फाइव, और ज्यादा ज्यादा टेन, एफ भरा तो सेवन और फोर्टीन। ये याद आया उसके बेसिस पे यो कंसेप्ट है। और अनपेड का अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपको वहां पे दिखाई देंगे। वैसे ही अभी नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ आते हो, वहां पे एक और एक एग्जांपल देता है, यानी आपका वो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या है वैनाडियम, वैनाडियम पता है, वैनाडियम यानी भी वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, पहले एटॉमिक नंबर लिखो वहां पे, ये है आपका वैनाडियम एटॉमिक नंबर 23, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो उसका, आर्गन 3d3 4s